रात बच्चों, आज हम पाठ 3 म्याऊ म्याऊ नामक पाठ पढ़ेंगे। म्याऊ म्याऊ से आप लोगों को लग ही गया होगा कि ये बिल्ली के बारे में है। पहले हम इस पाठ के बारे में आपको बताते हैं। चूहिया एक छोटा सा जीव होता है, वो तो कभी कभी नज़र भी नहीं आता क्योंकि बहुत छोटा होता है और भागता भी बहुत तेज है। छोटे बच्चे जब भी उसको देख लेते तो उही कह के उछल जाते हैं। आप भी उछल जाते होंगे ना, अगर आपको चूहा या चूहिया दिख जाती होगी तो। म्याऊ म्याऊ जो ये कविता है उसमें चूहिया ने एक छोटी लड़की की उंगली पे काट लिया है। पहले तो वो रोने लगी, फिर उसने सोचा वो भी चूहिया को डराई है, उसने उसे डराया है तो वो भी चूहिया को डराएगी और बिल्ली बन के डराएगी म्याऊ। उसने म्याऊ म्याऊ कह के उस चूहिया को डरा दिया। तो चलिए पहले हम इस कविता का गान करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी गाइए। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक्कर, एकाएक बिलक्कर रोई। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक्कर, एकाएक बिलक्कर रोई। सोई सोई एक रात में, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया चूटी, काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर, चूहिया काट गई चूटी पर, काट गई थी चूहिया चूटी, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी पर, सोई सोई एक रात में, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चूहिया को मैं, खड़ी देख कर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में, लगी कांपने घड़ी घड़ी में, खड़ी देख कर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चूहिया को मैं, खड़ी देख कर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में, लगी कांपने घड़ी घड़ी में, सूजा तभी बहाना मुझको, सूजा तभी बहाना मुझको, मुझको सूजा एक बहाना, मुझको सूजा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना, चूहिया को भी जरा डराना, सूजा तभी बहाना मुझको, मुझको सूजा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना, चूहिया को भी जरा डराना, कैसे भला डराओ उसको, कैसे भला डराओ उसको, कैसे उसको भला डराओ, कैसे उसको भला डराओ, धीरे से मैं बोली म्याऊ, धीरे से मैं बोली म्याऊ, म्याऊ 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 म्याऊ, कैसे भला डराऊ उसको, कैसे भला डराऊ उसको, कैसे उसको भला डराऊ, कैसे उसको भला डराऊ, धीरे से मैं बोली म्याऊ, धीरे से मैं बोली म्याऊ, म्याऊ 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 म्याऊ। तो बच्चों आपने ये कविता पढ़ लिया, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इस कविता का भावार्थ आपको समझाते हैं। एक रात एक छोटी सी बच्ची सोई हुई थी,
रात में नींद में मीठी सब मीठे सपनों में खोई हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक एकाएक मतलब अचानक जोर से रोने लगी, खूब जोर जोर से रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, भला वो क्यों ना रोती मुझे नाक की एक नोक पर, नाक के सिरे पे कुछ काट लिया था, काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी पर। वो क्यों ना रोती बेचारी बच्ची, उसके नाक पे नाक के एक कोने पे सिरे पे चूहिया ने काट लिया था, इसलिए वो रात में नींद में बीच में उठ के रोने लगी थी। आपको भी कुछ काटेगा तो आप भी अचानक रोने लगते हो? वैसे भी चूहिया को देख के बच्चे रोने लगते हैं, डरने लगते हैं। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी। सचमुच वो बेचारी बच्ची, छोटी सी बच्ची, वो चूहिया को देख के बहुत डर गई थी, और चूहिया छोटी सी चूहिया को देख के वो बार बार कांपने लगी थी डर से। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। तभी उसको आइडिया आया, तभी उसने सोचा एक बहाना, एक उपाय सोचा। ये चूहिया मेरे को डरा रही है तो क्यों ना हम इस चूहिया को डराएं, चूहिया को आज चलो डराते हैं। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। फिर सोचती है कि कैसे उस चूहे को डराते हैं, चूहिया को कैसे डराते हैं। तो चूहे चूहिया को बिल्ली से डर लगता है ना, तो वो धीरे से बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। चूहिया को लगा कि बिल्ली आ गई, वो बहुत डर गई, डर के भाग गई। तो बच्चों आपको ये कविता कैसे लगी?